स्वागत है विद्यार्थियों आपका। जैसा कि आपने देखा टाइटल, हम बात करेंगे आज कास्ट अकाउंट में सेकंड यूनिट की। हालांकि इसके पहले आपको आगे की इकाइयों के बारे में दो चार व्याख्यान हो चुके हैं, मैं फोकस आपका आज करूंगा टेंडर प्राइस पर। टेंडर प्राइस पढ़ने के पहले मेरे आपसे एक दो प्रश्न होंगे, आप उन प्रश्नों का जवाब दें ताकि हम आगे एक सवाल के रूप में देखें कि किस प्रकार से हम टेंडर प्राइस का सवाल हल कर सकते हैं। टेंडर प्राइस होती क्या है इसके बारे में भी हम निश्चित रूप से जानेंगे। मैं सबसे पहले मुझे स्टूडेंट रतलाम कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज रतलाम, गर्ल्स कॉलेज रतलाम की छात्राएं प्लीज आगे आके बैठे। गर्ल्स कॉलेज रतलाम, पहला क्वेश्चन मेरा भुआ बिछवा कॉलेज से, भुआ बिछवा कॉलेज के स्टूडेंट, भुआ बिछवा कॉलेज आगे जो प्रभारी बैठे हैं कृपया बच्चों से कहें, उन्हें माइक दें। एक मेरा प्रश्न है, टेंडर प्राइस किसे कहते हैं? अगर आपने सेकंड इकाई में कुछ पढ़ा हो तो टेंडर प्राइस हम किसे कहेंगे, निविदा मूल्य का आशय क्या है, पहले हम उसी को समझते हैं। भुआ बिछवा कॉलेज मंडला, जिला मंडला। चले पीजी कॉलेज खरगोन, बीच में दो छात्राएं बैठी हुई हैं, मेरा प्रभारी से अनुरोध है उनको माइक दें। टेंडर प्राइस किसे कहते हैं, क्या होती है टेंडर प्राइस? क्योंकि सेकंड इकाई इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपको हमारे साथियों ने पढ़ा भी दिया होगा इस टॉपिक को, थोड़ा सा बताएं टेंडर प्राइस हम किसे कहेंगे, निविदा मूल्य का आशय क्या है, बताइए निविदा मूल्य किसे कहते हैं? दो छात्राएं बीच में बैठी हुई हैं, दोनों में से कोई एक मुझे इसका आंसर दे। चलिए आगे, मुस्कुरा रहे हैं जरा, बताइए आपको शायद इसका उत्तर आता है, टेंडर प्राइस किसे कहते हैं? देखिए आपकी परीक्षा मार्च का महीना करीब करीब समाप्ति पर है, अप्रैल मई में कभी भी आपकी परीक्षा फोर्स, आपने सेकंड इकाई में यूनिट कास्टिंग पढ़ा होगा, यूनिट कास्टिंग का ही एक पार्ट, सेकंड जो पार्ट है वो आपका टेंडर प्राइस का है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं निविदा मूल्य। मेरा आपसे प्रश्न ये था, निविदा मूल्य कहते किसे हैं, निविदा मूल्य का आशय क्या है? साइन आप बाद में कर दिएगा, पहले प्रश्न का उत्तर दें। पीजी कॉलेज धार, चलिए धार कॉलेज, काफी स्टूडेंट बैठे हुए हैं, बताइए निविदा मूल्य का आशय क्या है, किसे कहते हैं टेंडर प्राइस? निविदा मूल्य किसे कहते हैं? मेरा धार कॉलेज के प्रभारी से अनुरोध है कृपया स्टूडेंट्स को माइक दें, वो बताएं इसका मतलब क्या है। पीजी कॉलेज धार से सर, यहाँ बोलिए आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है? मतलब बच्चे बता नहीं पा रहे हैं, मैं करूं? बोलिए, ये बच्चे नहीं बता पा रहे हैं क्या होता है। अब तो सर आपके यहाँ टेंडर प्राइस सेकंड इकाई में आता है, सेकंड इकाई का टॉपिक अभी नहीं पढ़ाया गया, पढ़ा दिया गया होगा डेफिनेटली। नहीं मैं तो ऑपरेटर हूँ सर। चलिए कोई भी स्टूडेंट तैयार नहीं बताने के लिए? कोई भी तैयार नहीं है सर। चलिए कोई बात नहीं, रतलाम कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज रतलाम, गर्ल्स कॉलेज रतलाम जो छात्रा है पीछे बैठी है कृपया आगे बैठे। गर्ल्स कॉलेज रतलाम, रतलाम गर्ल्स कॉलेज के प्रभारी से मेरा अनुरोध है कृपया छात्राओं से कहें कि वो आगे बैठे, सारी चेयर्स खाली पड़ी हुई हैं, आगे आके बैठिए आप लोग। गर्ल्स कॉलेज रतलाम, और आगे बैठने के साथ ही मेरा प्रश्न भी सुन लीजिए, गर्ल्स कॉलेज रतलाम टेंडर प्राइस किसे कहते हैं? हालांकि डिस्प्ले हो रहा है अभी आपके यहाँ, बताइए किसको बोलते हैं टेंडर प्राइस, निविदा मूल्य का आशय क्या है, निविदा मूल्य किसे कहते हैं? रतलाम गर्ल्स कॉलेज प्रभारी से मेरा अनुरोध है कृपया किसी छात्रा को माइक दें। गर्ल्स कॉलेज रतलाम, चलिए धार कॉलेज, खरगोन कॉलेज, आपको जवाब मिला इसका? खरगोन कॉलेज,
इतने समय में तो आप जवाब खोज लेते भाई, जवाब मिल जाता आपको। यस बताइए, किसे कहते हैं टेंडर प्राइस? यस बताइए, हाँ बोलिए जरा, आपका नाम क्या है बताइए, और बताइए इसका मतलब क्या है टेंडर प्राइस का, किसे कहते हैं टेंडर प्राइस? नहीं, चलिए समय वेस्ट करने से ज्यादा अच्छा है आप डिस्प्ले पे देखें, मैं आपको टेंडर प्राइस हम किसे कहेंगे पहले आप ये समझिए। आपने इकाई नंबर 2 में जब यूनिट कास्टिंग के सवाल किए हैं तो आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति किसी भी वस्तु का जब उत्पादन करता है जिसकी यूनिट कास्टिंग निकालना संभव होती है तो किसी वो विभिन्न प्रकार की लागतों को अलग अलग पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करता है। जैसे आपने देखा है प्राइम कास्ट, प्राइम कास्ट में हम 3 चीज को लेते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों का योग आपका कहलाता है प्राइम कास्ट। जब हम प्राइम कास्ट में फैक्ट्री ओवरहेड्स प्लस कर देते हैं, कारखाना के खर्चों को हम जोड़ देते हैं, तो उसके बाद जो कास्ट आती है उसे हम बोलते हैं फैक्ट्री कास्ट। फैक्ट्री कास्ट निकल जाने के बाद हम उसमें ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन के ओवरहेड जोड़ते हैं, तो इस प्रकार से आपकी आ जाती है कास्ट ऑफ प्रोडक्शन। और कास्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम यदि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस को प्लस कर दें तो आपकी आ जाती है टोटल कास्ट। तो इस प्रकार से हम एक वस्तु के निर्माण में जो लागत आती है उस लागत का हम प्रति इकाई निर्धारण कास्ट शीट और स्टेटमेंट ऑफ कास्ट के माध्यम से आसानी से कर लेते हैं। तो आपने देखा होगा, मान लीजिए आपने 2017 में किसी भी वस्तु का आपने प्रोडक्शन किया और उसकी प्रति इकाई लागत आपकी आ रही थी 180 रुपीज। अब सन 2018 में आपको उसी प्रकार की वस्तु बनाने के लिए किसी कंपनी से या किसी व्यक्ति से ऑर्डर प्राप्त हुआ है कुछ वस्तुओं के बनाने के लिए, तो वो आपसे ये पूछ रहा है कि आप मुझे 180 रुपए में जो आपकी पिछली कास्ट थी, इस बार आप मुझे वही वस्तु किस दर पर सप्लाई करने के लिए तैयार होंगे। तो हमें पिछले अनुभवों के आधार पर उसे बताना होगा कि वास्तव में मैं उसे वह वस्तु किस मूल्य पर सप्लाई करने के लिए तैयार हूँ। इसे ही कहा जाता है टेंडर प्राइस, इसे टेंडर प्राइस भी कहते हैं और आपने अपनी पुस्तक में देखा होगा इसे निर्ख मूल्य भी कहा जाता है। जनरली टेंडर प्राइस का इस्तेमाल सरकार की खरीदी में से हम निर्ख मूल्य के नाम से भी। या पिछले वर्ष में जिस दर पर हमने वस्तु का निर्माण किया था और आज हमें उसी प्रकार की वस्तु को बनाने के लिए कोई व्यक्ति ऑर्डर देना चाहता है, किंतु ऑर्डर देने के पहले वो आपसे ये पूछ रहा है कि आप उस वस्तु को किस दर पर सप्लाई करने के लिए तैयार हैं, इसी चीज को हम टेंडर प्राइस कहते हैं। आप देखिए डिस्प्ले भी हो रहा है, जब उत्पादक से पूछा जाए कि वो किस मूल्य पर माल की पूर्ति करेगा तो उसके द्वारा जो मूल्य बताया जाता है उसे हम टेंडर प्राइस कहते हैं। और टेंडर प्राइस निकाली जाती है पिछले अनुभव और गत लागतों के आधार पर हम उन लागतों में होने वाले परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए ये बताते हैं कि वास्तव में हम वस्तु किस मूल्य पर सप्लाई करने के लिए तैयार हैं। मान लीजिए मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, यदि मान लीजिए पिछले वर्ष जब हमने वस्तु बनाई थी तब हमारी सामग्री की लागत प्रति इकाई 10 रुपए थी, तो अब हमें यह देखना पड़ेगा कि क्या वास्तव में आज भी सामग्री की लागत 10 रुपए प्रति इकाई है या इससे कम हुआ है या इसकी लागत में वृद्धि हुई है। ठीक इसी प्रकार से अगर मान लीजिए पिछले वर्ष या पिछले माह में आपका जो प्रति इकाई श्रम था, लेबर था, वो 5 रुपए प्रति इकाई था, तो अब आपको ये देखना होगा टेंडर प्राइस देने के पहले कि क्या आज भी उस वस्तु की श्रम की लागत 5 रुपए प्रति इकाई है या नहीं है। तो इस प्रकार से हम पिछले वर्षों की लागतों के आधार पर या पिछले माह की लागतों के आधार पर जो परिवर्तन आते हैं उन परिवर्तनों को शामिल करते हुए जो मूल्य प्रस्तुत करते हैं उसे कहा जाता है टेंडर प्राइस। तो मैं समझता हूँ आप टेंडर प्राइस का मतलब समझ गए होंगे। नीमच कॉलेज में भी छात्राएं जुड़ चुकी हैं, 2-3 छात्राएं, आप बताएंगे किसे बोलते हैं टेंडर प्राइस? अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया आपको, किसे बोलते हैं निविदा मूल्य? नीमच कॉलेज, क्या मतलब है टेंडर प्राइस का? यस, नीमच कॉलेज के प्रभारी कृपया छात्राओं को माइक दें।
किसे कहते हैं टेंडर प्राइस? अभी खरगोन के स्टूडेंट ने भी सुना है, धार के हमारे प्रभारी ने कहा था कि उन्हें नहीं मालूम, जवाब देना नहीं चाहते। मैंने भी आपको एक्सप्लेन भी कर दिया और आपके इस पे स्लाइड्स भी काफी देर से आप देख रहे हैं, स्लाइड्स को भी पढ़ भी रहे हैं आप। इस स्लाइड्स को क्या मतलब होगा टेंडर प्राइस का? हम किसे बोलेंगे टेंडर प्राइस? अब बता दीजिए इसका मतलब। आप डिस्प्ले आपके सामने है, स्लाइड भी आपके सामने डिस्प्ले हो रही है और मैंने आपको एक्सप्लेन भी करके बता दिया कि किस प्रकार से हम टेंडर प्राइस तय करते हैं। टेंडर प्राइस का मतलब होता है लागत निकालना अनुमानित, अनुमानित लागत निकाल के उसमें लाभ प्लस करना, लागत में लाभ प्लस कर दिया, वो मूल्य हमने सामने वाले व्यक्ति को बताया कि हम इस वस्तु को इस मूल्य पर सप्लाई करने के लिए तैयार हैं। एक चीज और ध्यान रखिएगा, टेंडर प्राइस अगर आपने सही तरीके से निर्धारित नहीं किया तो ये मान के चलना कि हो सकता है कि आपको ऑर्डर प्राप्त न हो। क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को परचेस करता है, जैसे आप भी कोई वस्तु अगर परचेस करने के लिए मार्केट में जाते हैं तो जनरली हम देखते हैं कि यहाँ वस्तु थोड़ी महंगी मिल रही है, इससे कम रेट पे भी मिल सकती है, दूसरी दुकानों पर जाकर भी रेट को टेली करते हैं और जो व्यक्ति सेम क्वालिटी का माल कम दर पर आपको उपलब्ध करा देता है हम उस व्यक्ति से उस वस्तु को परचेस कर लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से मान लीजिए कॉलेज, आपके परिवार का, आपके स्वयं का कोई बिजनेस है फर्नीचर का, और आपसे कॉलेज के प्राचार्य ये पूछते हैं कि आप मुझे बताइए जो सेम प्रकार की चेयर्स जो आपके क्लासरूम में लगी हुई है या सेम प्रकार की टेबल जो क्लासरूम में लगी हुई है, ये आप किस मूल्य पर बनाकर हमें सप्लाई करने के लिए तैयार हैं? ये प्रश्न आपसे पूछा गया कॉलेज के प्राचार्य के द्वारा, मान लीजिए आपसे पूछा गया। डेफिनेटली इस प्रकार की चीजें 400 लोगों से पूछी जाती है कि जिस प्रकार का फर्नीचर हमें आवश्यकता है उस प्रकार का फर्नीचर आप हमें किस मूल्य पर सप्लाई करने के लिए तैयार हैं। जैसे मान लीजिए आपने सप्लाई करने का मूल्य बताया 500 रुपए, किसी दूसरे ने बताया 510 रुपए, एक व्यक्ति ने बताया 490 रुपए और एक व्यक्ति ने बताया 485 रुपए। अब आप स्वयं देख लीजिए, यदि आप स्वयं वस्तु परचेस करते सेम उसी क्वालिटी की तो आप डेफिनेटली 485 रुपए वाले व्यक्ति को आप ऑर्डर प्रदान कर देते। ठीक उसी प्रकार से इस प्रकार की खरीदी में भी होता है कि प्राचार्य जी ने आपसे पूछा, तीन व्यक्तियों और पूछा, हम सबसे कम रेट पर वो वस्तु सप्लाई करने के लिए अपना निविदा मूल्य दिया है, उस व्यक्ति को डेफिनेटली वो ऑर्डर प्रदान कर दिया जाता है। तो इसका मतलब स्पष्ट है कि यदि टेंडर प्राइस बनाने में यदि आपने चूक की, यदि आपने 1-2 रुपए का अंतर भी यदि ठीक तरीके से कैलकुलेट नहीं किया और कीमत यदि आपने ज्यादा मेंशन कर दी तो ये मान के चलना कि आपको उस प्रकार की खरीद का ऑर्डर प्राप्त नहीं होगा। जैसा मैंने भी आपको एग्जांपल से बताया, एक व्यक्ति ने 500 रुपए का बताया, एक व्यक्ति ने 490 रुपए में सप्लाई करने की बात कही, एक व्यक्ति ने 510 रुपए की बात कही, किंतु एक व्यक्ति ने 485 रुपए 485 में एक चेयर या एक टेबल सप्लाई करने के लिए अपना टेंडर प्राइस दिया। तो इसका मतलब स्पष्ट है ऑर्डर उस व्यक्ति को मिलेगा जिसने सेम कैटेगरी का माल कम दर पर सप्लाई करने के लिए अपना निविदा मूल्य दिया है। तो निविदा मूल्य का मतलब होता है आप अपनी लागत का कैलकुलेशन करें और लागत के साथ साथ उसमें जो आप प्रॉफिट लेते हैं वो प्रॉफिट प्लस कर दें, और प्रॉफिट प्लस करने के बाद तो मूल्य आपने सामने वाले व्यक्ति को बताया है वही मूल्य आपका टेंडर प्राइस कहलाएगा। तो इस प्रकार यह मैंने आपको निविदा मूल्य का आशय बताया। कई विश्वविद्यालयों में लघु प्रश्न भी पूछे जाते हैं। लघु प्रश्न में आपसे पूछा जा सकता है टेंडर प्राइस क्या है बताइए, या टेंडर प्राइस क्या है उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। तो आपको बताना पड़ेगा कि टेंडर प्राइस हम पिछले अनुभवों के आधार पर ज्ञात करते हैं। हमने पिछले माह में या पिछले वर्ष में जो वस्तु बनाई थी और आज हमें उसी प्रकार की वस्तु बनाना है, तो जिस समय वस्तु बनाई थी उस समय और आज के समय में प्रत्येक वस्तु की लागत में किस प्रकार का परिवर्तन आया है, उस परिवर्तनों को एडजस्ट करते हुए हम जो मूल्य सामने वाले व्यक्ति को या जिस व्यक्ति ने हमसे मूल्य चाहा है उसको जो हम मूल्य बताते हैं उसे हम कहते हैं टेंडर प्राइस। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि टेंडर प्राइस पिछले अनुभवों के आधार पर ही बनाया जाएगा। जो व्यक्ति पहली बार वस्तु का उत्पादन करेगा उसे हर चीज के बारे में मार्केट से जानकारी प्राप्त करना पड़ेगी, उसके बाद ही वो टेंडर प्राइस दे पाएगा। किंतु जो व्यक्ति पहले से उसी प्रकार की वस्तु का निर्माण करता है वह व्यक्ति क्या कर सकता है, अपने पिछले अनुभवों के आधार पर, अपनी पिछली लागतों के आधार पर प्लस माइनस करके एक
जो मूल्य प्रस्तुत करता है उसे हम टेंडर प्राइस कहेंगे। तो ये मैंने आपको टेंडर प्राइस का आशय बताया। अब मैं फिर से एक प्रश्न पूछूंगा धार कॉलेज के स्टूडेंट से। अब तो मैं समझता हूँ कि हमारे जो साथी ने बताया कि साहब कोई भी उत्तर देने के लिए तैयार नहीं है, अब मैं समझता हूँ कोई ना कोई इसका उत्तर देगा मुझे। अब मुझे बता दिए टेंडर प्राइस किसे कहते हैं? धार कॉलेज, पीजी कॉलेज धार, कोई भी एक स्टूडेंट किसे कहते हैं टेंडर प्राइस बताइए। मेरा प्रभारी से अनुरोध है कृपया माइक दें किसी स्टूडेंट्स को। धार कॉलेज किसे कहेंगे टेंडर प्राइस? क्योंकि मैं आगे आपको सवाल भी बता रहा हूँ किसी का, और सवाल से आपको सब चीज क्लियर हो जाएगी किस प्रकार से टेंडर प्राइस दी जाती है। टेंडर प्राइस में हम क्या क्या चीजें को शामिल करते हैं, किन किन चीजों का रिलेशन किन किन चीजों से होता है, खर्चों का, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पर पहले हम ये तो समझें कि टेंडर प्राइस कहते किसे हैं, निविदा मूल्य किसे कहेंगे बताइए। चलिए खरगोन कॉलेज, पीजी कॉलेज खरगोन, अब बताइए आप क्या मतलब है टेंडर प्राइस का? यस बोलिए, टेंडर प्राइस किसे कहेंगे? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पीजी कॉलेज खरगोन, यस बताइए। हाँ बोलिए, किसे बोलेंगे टेंडर प्राइस? सामने डिस्प्ले भी हो रहा है आपका, स्लाइड भी डिस्प्ले हो रही है आपकी, आप उसी में से उत्तर ढूंढ लीजिए किसे बोलेंगे टेंडर प्राइस। हाँ यस बताइए, यस बोलिए, आप फोर्थ सेमेस्टर में है ना? सभी छात्र हैं, चार छात्र सब फोर्थ सेमेस्टर में हैं आप। जब फोर्थ सेमेस्टर में आप हैं तो कास्ट अकाउंट तो आपकी सेकंड इकाई का प्रश्न है ये। चलिए सवाल देखिए आप आगे, प्रश्न का जवाब आप नहीं देना चाहते कोई बात नहीं, सवाल देखिए आप। एक सवाल आपको नोट करना पड़ेगा, सवाल आप नोट कीजिएगा। जब तक आप सवाल नोट नहीं करेंगे तब तक आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आएगी। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आप बार बार हम उसी स्लाइड पर नहीं जाएंगे, आप स्लाइड्स की दी गई चीजों को शॉर्ट में नोट करें। एक कंपनी है अध्याय लिमिटेड, वो सिलाई मशीन का निर्माण करती है और उसने 2016 में 200 सिलाई मशीनों का निर्माण किया था। 200 सिलाई मशीन बनी थी उसने 2016 में, और इसकी कास्ट आप देखिए, मटेरियल की कास्ट 2,50,000 थी, मजदूरी की लागत 1,50,000 थी, निर्माण की लागत 1,00,000 रुपए थी, डेप्रिसिएशन मशीनों का 1,00,000 रुपए था, रेंट और इंश्योरेंस 40,000 रुपए का, जनरल एक्सपेंसेस 40,000 रुपए के, सेलिंग एक्सपेंसेस 60,000 का, और ये सारी की सारी 200 सिलाई मशीन उसने 8,00,000 रुपए में सेल की थी। ये 2016 का अनुभव है, मतलब 2016 में इस कंपनी ने 200 सिलाई मशीनों का निर्माण किया है। तो ये हमारा पिछला अनुभव हो गया, हमने 2016 में यह काम किया था। अब आप आगे देखिए, 2017 में इसी कंपनी को 300 सिलाई मशीन बनाने का ऑर्डर प्राप्त हुआ है कि आपको 300 सिलाई मशीन का टेंडर प्राइस बताना है और यह बताना है कि आप उसे किस मूल्य पर सप्लाई करेंगे, ये उसने पूछा है। और हम टेंडर प्राइस बनाते समय इस चीज को ध्यान में रखेंगे कि हम टेंडर प्राइस ऐसा बनाएंगे कि हमें कम से कम विक्रय मूल्य पर 10% का लाभ अर्जित हो सके। अब प्रश्न यहाँ पर ये उठता है कि जब हमने 2016 में आप देखिए जब 200 सिलाई मशीन बनाई थी तो हमारी मटेरियल की कास्ट कितनी थी, और अब मटेरियल की कास्ट में क्या वृद्धि होगी? जब हमने 2016 में सिलाई मशीन बनाई थी तो वेजेस कितनी थी, आज वेजेस क्या होगी, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस उस समय कितने थे और आज कितने होंगे, इन सब के बारे में आपको निर्णय करना पड़ेगा, उसी के आधार पर आप टेंडर प्राइस प्रदान कर पाएंगे। तो आगे आप देखिए किस किस प्रकार का परिवर्तन पिछले साल और इस साल में हुआ है। ये देखिए आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है कि सामग्री के मूल्य में 20% की वृद्धि होने की संभावना है। मतलब जब आपने 2016 में जब सामग्री परचेज की थी उस समय से आज के समय में सामग्री की लागत 20% से बढ़ जाएगी। इसका मतलब स्पष्ट है हमें सामग्री की कास्ट को 20% से बढ़ाना पड़ेगा। नेक्स्ट है श्रमिकों की दर, श्रमिकों की दर में भी 10% की वृद्धि होने की आशा है। मतलब 2016 में जो श्रम लगा था उससे अब
10% की वृद्धि प्रति श्रम की लागत में आपकी होगी, प्रति वस्तु की लागत में आपकी 10% की वृद्धि आपको करना पड़ेगी। अगला लिखा है पॉइंट नंबर 3 कि जो निर्माणी व्यय जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है ये सामग्री और श्रम की संयुक्त लागत के अनुपात में बढ़ेंगे। मतलब यदि सामग्री और श्रम की लागत बढ़ी है तो निश्चित रूप से निर्माण के व्यय भी 2017 में बढ़ेंगे। और आप स्वयं देख लीजिए सामग्री और श्रम दोनों की लागत में वृद्धि हुई है, इसका मतलब स्पष्ट है कि निर्माणी व्यय की लागत भी आपकी प्रति इकाई निश्चित रूप से बढ़ेगी क्योंकि सामग्री और श्रम दोनों की लागतों में वृद्धि हुई है। चौथा पॉइंट है विक्रय व्यय में कोई परिवर्तन नहीं होगा, मतलब विक्रय व्यय प्रति इकाई वही रहेगा जो पहले दिया हुआ था। और इसके बाद लिखा है अन्य व्यय उत्पादन की बढ़ोतरी से अप्रभावित रहेंगे, मतलब उनमें किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। इन 5 पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आपको टेंडर प्राइस का निर्धारण करना है, निविदा मूल्य का निर्धारण करना है। अब आप देखिए सपने पीछे कुल खर्चे आप देखिए कितने दे रखे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टोटल मिला के 7 आपको एक्सपेंडिचर दिए हुए हैं। सेल्स के ऊपर आप देखिए मटेरियल की कास्ट बढ़ी है, वेजेस की कास्ट बढ़ी है, लिखा है बिल्कुल स्पष्ट सवाल में, मैन्युफैक्चरिंग कास्ट में वृद्धि हुई है क्योंकि उसका संबंध श्रम और सामग्री से। इसके अलावा सेलिंग एक्सपेंसेस प्रति इकाई वही रहेंगे जो आपको दिए हुए हैं, प्रति इकाई हमें वही निकालना है जो पहले दिए थे। और इसके अलावा जो अन्य खर्चे आपके हैं, अन्य खर्चे में आपका हो गया डिप्रिसिएशन, रेंट एंड इंश्योरेंस और जनरल एक्सपेंसेस, ये 3 ऐसे खर्चे हैं जिनके बारे में स्पष्ट रूप से लिखा है कि अन्य व्यय उत्पादन की बढ़ोतरी से अप्रभावित रहेंगे, मतलब ये उतने रहेंगे जितने आपके पहले से दिए हुए हैं। इस प्रकार से आपको टेंडर प्राइस का निर्धारण करना है। तो अब आप देखिए सबसे पहले हम जब आपने 200 सिलाई मशीन बनाई होगी 2016 में, उस समय का स्टेटमेंट डेफिनेटली संस्था के पास होगा, आपकी सुननी है। तो पहले हम ये बनाएंगे कि 200 सिलाई मशीन बनाने की कास्ट इस कंपनी को कितनी आई थी, उसके आधार पर फिर हम 300 सिलाई मशीन बनाने का टेंडर प्राइस तय करेंगे। तो पहले हम बनाएंगे 200 सिलाई मशीन की कास्ट सेट का निर्धारण करेंगे कि उसमें प्रति इकाई लागत, प्रति श्रम की लागत, सामग्री की लागत, अन्य व्यय की लागत और सेलिंग एक्सपेंसेस की लागत प्रति इकाई कितनी आई थी, उसके हिसाब से ही हमें 2017 के लिए टेंडर प्राइस देना पड़ेगा। तो पहले हम 200 सिलाई मशीनों का बनाएंगे, उसके बाद टेंडर प्राइस तय करेंगे। तो अब आप सबसे पहले देखिए 200 सिलाई मशीन का हम किस प्रकार से बनाएंगे। ये देखिए आप कास्ट शीट का फॉर्मेट आपके सामने, हमें आप आगे देखिए वेजेस कितना था। किसी एक कॉलेज का माइक ऑन है, कृपया उस माइक को ऑफ करें, किसी एक कॉलेज के माइक से आवाज आ रही है, माइक को ऑफ कर दें, क्योंकि जब आपने प्रश्न का उत्तर ही नहीं दिया तो माइक को बंद कर लीजिए। आगे देखिए 200 सिलाई मशीन बनाते समय वेजेस कितना लगा था, 1,50,000 का वेजेस लिखा, 1,50,000 वेजेस, और एक इकाई का कैसे निकलेगा, 1,50,000 में 200 से हमने भाग लगा दिया तो एक इकाई की लागत आपकी आ गई 750 रुपए।
इन दोनों को हमने प्लस कर दिया, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं दिए हुए हैं, इसलिए ये आपकी हो गई प्राइम कास्ट। प्राइम कास्ट हो गई 4 लाख रुपए और टोटल आपका प्राइम कास्ट हो गई एक सिलाई मशीन की 2000 रुपए। इस प्रकार से हमारी प्राइम कास्ट का निर्धारण हुआ। मुझे अच्छा लग रहा है नीमच कॉलेज की छात्राएं नोट कर रही है, बाकी सारे स्टूडेंट धार के स्टूडेंट सब बैठे हुए हैं, कोई नोटिंग नहीं कर रहे हैं। रतलाम कॉलेज में छात्राएं बार बार बाहर आना जाना उनका बना हुआ है, या तो आप बैठ जाइए क्लास में, रतलाम कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज रतलाम, बाकी कोई भी स्टूडेंट नोटिंग नहीं कर रहा है। मैं देख रहा हूँ नीमच कॉलेज की छात्राएं नोट कर रही है उन चीजों को। देखिए, आप जब तक नोट नहीं करेंगे तब तक आपको समझ भी नहीं आएगा कि ये दोनों में अंतर क्या है, टेंडर पैच कैसे निकाली जाती है, ये आपको समझ भी नहीं आएगा। आप कॉपी पेन भी लेके आए एक भी, किंतु आप नोट नहीं कर रहे हैं। अगर आप नोटिंग नहीं करेंगे तो सवाल आपको आगे जब हम टेंडर पैच की बात करेंगे आपको चीज समझ में नहीं आएगी किस प्रकार से टेंडर पैच निकालेंगे। सीओर कॉलेज की छात्राएं भी नोट कर रही है, करें इसको नोट। आगे देखिए, ये हमारी प्राइम कास्ट हो गई। अब आप देखिए, मैं फिर से आपको पीछे की स्लाइड पे ले जा रहा हूं कि 200 सिलाई मशीन बनाने में हमारे मैन्युफैक्चरिंग के खर्चे और अन्य कारखाने के खर्चे कितने हुए हैं। देखिए बाप, पीछे में ले जा रहा हूं आपको, ये देखिए, निर्माणी व्यय 1 लाख कहां पे होते हैं, निर्माणी व्यय कारखाने के अंदर होंगे। रास कहां लगेगा, मशीनों पे लगता है। और रेंट और इंश्योरेंस, ये भी काय का होता है, अगर कुछ नहीं लिखा हो तो हम मान के चलते हैं कि ये मशीनों का किराया और मशीनों के बीमे के खर्चे हैं। तो 3 ऐसी लागतें आपको दिए जो फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंतर्गत आएगी। इसमें पहला है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस निर्माण के लिए, दूसरा रास और तीसरा किराया और बीमा, 1 लाख, 1 लाख और 40 हजार, कुल मिला के 2,40,000 रुपए के खर्चे आपके फैक्ट्री ओवरहेड्स के दिए हुए हैं। देखिए, हमने स्लाइड पे देखिए, ये हमने लिख लिया मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 1 लाख रुपया, डेप्रिसिएशन ये भी 1 लाख, और रेंट और इंश्योरेंस ये आपका हो गया 40,000 रुपए। अब उसी प्रकार से हम प्रति इकाई लागत भी निकाल लेंगे, 1 लाख में 200 का भाग लगाया तो ये आपका हो गया 500 रुपए प्रति सिलाई मशीन। डेप्रिसिएशन 1 लाख में 200 का भाग लगाया, 500 रुपए प्रति मशीन। और रेंट और इंश्योरेंस 40,000 रुपए थे, ये 200 मशीनों पर है तो एक मशीन पे आपका रेंट और इंश्योरेंस आपका हो गया 200 रुपए। इस प्रकार से ये आपकी हो गई फैक्ट्री कास्ट, जिसको हम वर्क कास्ट भी बोलते हैं। तो प्राइम कास्ट में हमने क्या जोड़ दिया, कारखाना उपरिव्ययों को प्लस कर दिया। इस प्रकार से आपकी हो गई कारखाना लागत 6,40,000 रुपए कारखाना लागत हो गई, और प्रति मशीन कारखाना लागत आपकी हो गई 3,200 रुपए। इस प्रकार से हमारा प्राइम कास्ट और अगला जो फैक्ट्री कास्ट का काम था ये पूरा समाप्त आपका हो गया। इसके बाद आप देखिए, अब आते हैं कार्यालय के व्यय और सेलिंग एक्सपेंसेस। तो देखिए, 200 सिलाई मशीन पर जनरल एक्सपेंसेस आपके 40,000 रुपए के थे, और जनरल एक्सपेंसेस का मतलब होता है ये खर्चे वे खर्चे होते हैं जो कार्यालय के दौरान किए जाते हैं। तो इन्हें हम काय में शामिल करेंगे, ऑफिस ओवरहेड्स के अंतर्गत हम जनरल एक्सपेंसेस 40,000 रुपए के शामिल करेंगे। देखिए आप नेक्स्ट स्लाइड पर, ये देखिए, हमने जनरल एक्सपेंसेस प्लस कर दिए 40,000, 40,000 में 200 का भाग लगाया तो एक मशीन का जनरल एक्सपेंसेस आपका हो गया 200 रुपए। इस प्रकार से ये आपकी हो गई कास्ट ऑफ प्रोडक्शन। कास्ट ऑफ प्रोडक्शन में अब आप देखिए 3 चीजें प्लस हो गई, प्राइम कास्ट प्लस हो गई, नंबर 2 फैक्ट्री कास्ट आपकी प्लस हो गई, और इसके बाद जितने भी आपके ऑफिस ओवरहेड्स थे वो हमने प्लस कर दिए। तो इस प्रकार से आपकी हो गई कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसे ऑफिस कास्ट भी कहा जाता है, पर ज्यादा अच्छा शब्द इसके लिए कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है, क्योंकि इसके बाद अब निर्माण के कोई भी खर्चे शेष नहीं बचते हैं, सारे के सारे खर्चे हमारे उत्पादन के पूर्ण हो चुके हैं। तो 6,80,000 रुपए आपकी 200 मशीनों की कास्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गई, और एक मशीन की कास्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी हो गई 3,400 रुपए। अब इसके बाद हम इसमें प्लस करेंगे सेलिंग एक्सपेंसेस। आप देखिए पीछे, सेलिंग एक्सपेंसेस आपको दिए 60,000 रुपए की, ये 60,000 रुपए के हम सेलिंग एक्सपेंसेस प्लस कर देंगे तो ये आपकी हो जाएगी टोटल कास्ट। ये देखिए 60,000 रुपए सेलिंग एक्सपेंसेस, ये हमने इसमें प्लस कर दिया, एक मशीन की आपकी हो जाएगी 60,000 में 200 का भाग लगाया, 300 रुपए प्रति मशीन आपका हो गया सेलिंग एक्सपेंसेस। तो इस प्रकार कास्ट ऑफ प्रोडक्शन में हमने सेलिंग एक्सपेंसेस को प्लस कर दिया तो ये आपकी होगी टोटल कास्ट 7,40,000 रुपए, और एक मशीन की टोटल कास्ट हो गई 3,000
₹700। इस प्रकार से ये हमारा टोटल कास्टक का पार्ट समाप्त हो गया। अब इसके बाद आप देखिए, सारी 200 सिलाई मशीनें आपने सेल की ₹800,000 में। अध्याय लिमिटेड ने सारी 200 मशीनें ₹800,000 में सेल कर दी। अब हम क्या करेंगे, टोटल कास्ट में से सेल्स में से हम टोटल कास्ट को माइनस कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा प्रॉफिट। तो देखिए टोटल कास्ट आपकी कितनी है, टोटल कास्ट हो गई आपकी 7,40,000। 7,40,000 में आपको सेलिंग प्राइस बता रखा है ₹800,000। 8,00,000 में से हमने 7,40,000 को माइनस कर दिया तो ये आपका जो बीच का जो गैप है ₹60,000 आपका हो गया प्रॉफिट। अब ₹60,000 का जो प्रॉफिट है ये 200 सिलाई मशीन पर है तो एक सिलाई मशीन का प्रॉफिट आपका हो गया ₹300। तो ₹300 प्रति सिलाई मशीन आपका प्रॉफिट हो गया और टोटल प्रॉफिट आपका हो गया ₹60,000। ये हमने कैसे निकाला, क्योंकि सेलिंग प्राइस दी हुई है, सेलिंग प्राइस यदि दी हुई हो तो हम सेलिंग प्राइस में से टोटल कास्ट को माइनस कर लें तो बीच का जो आपका गैप होगा ये आपका प्रॉफिट या लॉस जैसी भी स्थिति होगी वो स्पष्ट होगी। तो चूंकि यहाँ पर सेलिंग प्राइस टोटल कास्ट से अधिक है इसलिए हमारा ₹60,000 का प्रॉफिट हुआ 200 सिलाई मशीन को बेचने से, और एक सिलाई मशीन को बेचने से प्रॉफिट हुआ आपको ₹300 का। तो इस प्रकार से ये हमने केवल और केवल अभी 200 सिलाई मशीनों का जो हमें डिटेल्स दिए हुए थे उन डिटेल्स के आधार पर हमने 200 सिलाई मशीन की कास्ट शीट बनाई है। अब जैसा मैंने भी आपको बताया था कि ये जो आपकी इकाई है सेकंड इकाई में यूनिट कास्टिंग के दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट है यूनिट कास्टिंग का निर्धारण है और सेकंड पार्ट आपका है टेंडर प्राइस का निर्धारण। ये जो अभी तक हमने देखा है ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। हमने 2016 में जो 200 सिलाई मशीन बनाई थी वो 200 सिलाई मशीन पर हमने कितनी कास्ट हमें आई और हमने कितना प्रॉफिट गेन किया ये हमने निकाला है। तो जब कभी भी आपसे टेंडर प्राइस पूछी जाएगी, निविदा मूल्य पूछा जाएगा, तो आपको ये बात मान के चलना कि आपको स्टेटमेंट ऑफ कास्ट या कास्ट शीट जो भी आपसे पूछा हो वो तो आपको सबसे पहले पिछले अनुभवों के आधार पर वो चीज आपको निश्चित रूप से बनाना ही पड़ेगी। इसका मतलब स्पष्ट है कि टेंडर प्राइस समझने के लिए बहुत जरूरी है कि हम यूनिट कास्टिंग को अच्छे से समझ लें। यदि आपने यूनिट कास्टिंग वाला चैप्टर अच्छे से समझ लिया है तो बहुत आसान है आपका टेंडर प्राइस निकालना। अब ये हमारा 200 सिलाई मशीन का काम समाप्त हुआ। अब मैं आपको ले जा रहा हूँ 300 सिलाई मशीन के लिए आपको टेंडर प्राइस किसी को देना है। अब 300 सिलाई मशीन अब आप बनाएंगे 2017 में, मतलब बनाएंगे नहीं, आपको किसी ने बोला है कि हम आपसे 300 सिलाई मशीन खरीदना चाहते हैं, बताइए आप किस दर पर हमें सिलाई मशीन सप्लाई करने के लिए तैयार हैं। इसका मतलब पिछला जो अनुभव आपका 200 सिलाई मशीन का है उसी 200 सिलाई मशीन के अनुभव के आधार पर, उसी की अकाउंटिंग के आधार पर हम क्या करेंगे, 300 सिलाई मशीन का ऑर्डर प्रदान करेंगे, 300 सिलाई मशीन का टेंडर प्राइस जिस व्यक्ति ने चाहा है उसको हम प्रदान करेंगे। अब जब कभी भी हम 300 सिलाई मशीन की बात करेंगे तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ कि सामग्री और श्रम की लागत क्या स्थायी होती है या परिवर्तनशील होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, सामग्री और श्रम की लागत क्या होती है, स्थायी होती है या वेरिएबल होती है, सामग्री और श्रम की लागत क्या स्थायी होती है या परिवर्तनशील होती है, ये मेरा प्रश्न आप लोगों से, ताकि हम आगे हमारी कार्यवाही आगे शुरू करें। सवाल की कौन बताएगा इसका आंसर, सीहोर कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज सीहोर। सामग्री और श्रम की लागत क्या परिवर्तनशील होती है या नहीं, गर्ल्स कॉलेज सीहोर के प्रभारी से हमारा अनुरोध, कृपया छात्राओं को माइक दे, 3-4 छात्राएं बैठी हुई हैं, बताइए। यस, सामग्री और श्रम की लागत क्या स्थायी होती है या परिवर्तनशील होती है, उत्पादन के बढ़ने के साथ बढ़ती है या नहीं बढ़ती है, ये मेरा मतलब है आपसे पूछने का। हाँ बोलिए। सर परिवर्तनशील होती है, क्यों, कारण बताइए। एक स्टॉक हमेशा एक जैसा थोड़ी ना रहता है और बदलता रहता है। स्टॉक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं वस्तु निर्माण की बात कर रहा हूँ, स्टॉक की बात नहीं कर रहा हूँ। तो मटेरियल भी चेंज होता है ना। चलिए और इसका आंसर, नीमच कॉलेज, चलिए नीमच कॉलेज, हाँ बोलिए।
देखिए आप स्वयं ही देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास एक कॉपी या एक बैग है आपकी टेबल पर रखा हुआ है, अगर हम एक कॉपी बनाते हैं तो एक कॉपी बनाने में जो मटेरियल लगेगा दो बनाएंगे, डेफिनेटली उतने ही पेज की अगर हम कॉपी बनाएंगे तो क्या मटेरियल आपका डबल लगेगा। जब हम किसी व्यक्ति को लेबर देंगे, एक कॉपी बनाने का जो लेबर दिया, जब वो दो कॉपी बनाएगा तो लेबर दो कॉपी का लगेगा, चार बनाएंगे चार का लगेगा। मार्केट में अगर आप बैग का निर्माण करते हैं, बैग बनाते हैं, चार बैग बनाएंगे चार का मटेरियल लगेगा, पांच बनाएंगे डेफिनेटली मटेरियल की कास्ट बढ़ेगी। और इसी प्रकार से जो व्यक्ति उसको बनाएगा डायरेक्टली मटेरियल का जो यूज करेगा उसका श्रम भी निश्चित रूप से बढ़ेगा। इसका मतलब स्पष्ट है कि सामग्री और श्रम की लागत को पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक निर्धारित स्तर पर लाना पड़ता है, उसके बाद फिर हमें उसमें वृद्धि करना होती है। तो देखिए बाप, सामग्री के मूल्य में 20% वृद्धि होने की संभावना है, ये लिखा हुआ है। अब मैं सवाल पे ले जा रहा हूं आपको, ये देखिए आप, एक मटेरियल जब आपने 200 सिलाई मशीन बनाई थी तब एक सिलाई मशीन की कास्ट थी मटेरियल की 1250 रुपए। अब क्या होगा, हमें इस 1250 की प्रति इकाई जो कास्ट है इसमें कितने इंक्रीज करना है, आप देखिए सामग्री का मूल्य 20% से आपको इंक्रीज करना है, 20% से सामग्री के मूल्य में वृद्धि हुई है। और ठीक इसी प्रकार से जो लेबर की लागत है वो भी आपको 10% से आपको बढ़ाकर बताना है, उसके बाद ही आपको टेंडर प्राइस देना है, क्योंकि 2016 और 2017 में सामग्री की कास्ट में 20% की वृद्धि हो गई है उसके मूल्य में, और लेबर की जो कास्ट थी वो भी आपकी 10% से बढ़ी हुई है। इसका मतलब स्पष्ट है कि हमें सामग्री और श्रम दोनों की लागतों को निश्चित रूप से बढ़ाना पड़ेगा। तो अब आप देखिए 300 का हम जब टेंडर प्राइस देंगे तो किस प्रकार से बताएंगे, ये देखिए आप यहाँ पे हमने लिखा टेंडर प्राइस फॉर 300 मशीन, हमें अब 300 मशीनों का टेंडर प्राइस निकाल कर प्रस्तुत करना है। तो देखिए यहाँ पर मटेरियल की कॉस्ट, अब पीछे आप देखिए मटेरियल की कॉस्ट आपकी थी प्रति इकाई 1250 रुपए। आप कॉपी में नोट करें, एक सिलाई मशीन की मटेरियल की कॉस्ट थी 1250, 1250 रुपए। अब हमें इसमें 20% से वृद्धि करना है इसकी कीमत में, तो 1250 प्लस 20% निकाल के बताइए मुझे जल्दी से। 1250 एक इकाई की कॉस्ट थी मशीन की मटेरियल की, अब हमें इसमें 20% से इंक्रीज करना है, वृद्धि करना है, तो 1250 प्लस 20% कितना होगा बताइए, 1250 प्लस 20% कितना होगा, कोई भी स्टूडेंट बता दे इसका जवाब जिसने कैलकुलेशन कर लिया हो। 1250 में 20% बढ़ाना है, हमें छोटे छोटे से काम के लिए भी कैलकुलेटर की सहायता लेना पड़ती है, जैसे नीमच कॉलेज में हम 20% बढ़ाने के लिए भी उसका इस्तेमाल कर रहे हैं कैलकुलेटर का, बगैर कैलकुलेटर का हल करने की कोशिश कीजिए। चलिए बताइए कितना होगा, बोलिए कोई भी स्टूडेंट बताए इसका आंसर। 20% से मटेरियल की कास्ट बढ़ी है और पहले कास्ट थी 1250 रुपए, 1250 प्लस 20%, यस बोलिए सर। 1500 रुपए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब आप आगे देखिए स्लाइड पे, देखिए आप ये 1500 रुपए हो गई प्रति इकाई लागत, मटेरियल की कास्ट पहले 1250 थी अब 1500 रुपए होगी, क्योंकि 1250 में 20% से वृद्धि करना है, तो एक मशीन की मटेरियल की कास्ट अब हो जाएगी 1500 रुपए। अब हमें कितने मशीन बनाना है, कितने मशीन का टेंडर प्राइस देना है, 300 का, तो 300 × 1500 हम 300 में 1500 का गुणा कर देंगे तो टोटल 300 मशीनों की मटेरियल की कास्ट हो जाएगी 450,000 रुपए। ये आपका पहला आंसर हो गया कि मटेरियल की कास्ट आपकी हो जाएगी 450,000। कैसे आई, पहले हमने प्रति इकाई लागत को निकाल लिया 1250 प्लस 20%, जैसा कि सीओर की छात्रा ने जवाब दिया था 1500 रुपए, हमने 1500 में 300 का गुणा किया तो हमारी टोटल मटेरियल की कास्ट हो गई 450,000। अब आप आगे देखिए वेजेस के बारे में क्या होगा, वेजेस की कास्ट को आपको 10% से वृद्धि करना है, और अब आप देखिए वेजेस की कास्ट आपकी थी 750 रुपए, अब 750 रुपए जो मजदूरी की कास्ट थी इसमें आपको 10% से वृद्धि करना है, 10% से आपको इसमें वृद्धि करना है, बताइए
कितना होगा 750 प्लस 10%। अब सीहोर कॉलेज नहीं, अब ये प्रश्न मेरा है खरगोन कॉलेज से, पीजी कॉलेज खरगोन, 750 रुपए कास्ट थी वेजेस की प्रति इकाई, अब हमें 10 से इंक्रीज का 10% 75 होता है, 750 में हमने 75 जोड़ दिया तो हमारी प्रति इकाई वेजेस की कास्ट हो गई 825 रुपए। देखिए स्लाइड पर आप, कास्ट प्रति इकाई हो गई 825 कर देंगे इनटू कर देंगे तो आपकी टोटल वेजेस की कास्ट हो जाएगी 300 मशीनों की 2,247,500, 2,47,500 रुपए ये आपकी हो जाएगी वेजेस की कास्ट। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, मटेरियल और वेजेस की कास्ट के बारे में जो भी निर्देश था सवाल में, हमने निर्देश के तहत मटेरियल की कास्ट को 20% से बढ़ा लिया प्रति इकाई को, और वेजेस की कास्ट को प्रति इकाई से 10% बढ़ा लिया, और जितना हमें टेंडर प्राइस देना है जितनी मशीनों का उससे हमने इनटू कर दिया, ये आपकी होगी टोटल। तो इस प्रकार से हमारी प्राइम कास्ट हो गई 697,500 और प्रति इकाई आपकी जो प्राइम कास्ट हो गई 2,325 रुपए। ये आपका प्राइम कास्ट तक का पोर्शन आपका समाप्त हो गया। अब हम अगली बारी पे आते हैं मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस के बारे में। अब आप देखिए मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस के बारे में क्या लिखा हुआ है। देखिए निर्माण व्यय सामग्री व पारिश्रमिक की संयुक्त लागत के अनुपात में बढ़ेंगे, मतलब सीधी सी बात है सामग्री और पारिश्रमिक की लागत यदि बढ़ी है तो निश्चित रूप से ये मान के चलना कि आपका निर्माण व्यय भी बढ़ेगा। और यहाँ पर आप देखिए सामग्री और पारिश्रमिक दोनों की लागत बढ़ी है तो निश्चित रूप से निर्माण व्यय पिछले 200 की अपेक्षा यहाँ पर निश्चित रूप से आपकी ज्यादा ही आएगी। अब आप देखिए पहले कितनी थी, ये देखिए आप प्राइम कास्ट, यहाँ देखिए प्रति इकाई लागत कितनी थी, पहले प्रति इकाई लागत कितनी थी देख लीजिए आप, प्रति इकाई 2000 रुपए था, ठीक है। और अब कितना हो गया प्रति इकाई प्राइम कास्ट, अब आपकी प्रति इकाई प्राइम कास्ट है 3400, सॉरी अब प्रति इकाई आपकी प्राइम कास्ट है 2,325 रुपए। बताइए कितना आएगा जल्दी से, कोई इसका आंसर मुझे बताए। ये स्लाइड तो आपके सामने डिस्प्ले हो रही है 174375 मैन्युफैक्चरिंग कास्ट, ये कैसे निकलेगी, पिछली 1,00,000 रुपए थी, आप देखिए इसके पहले 1,00,000 रुपए थी, किंतु अब उन्होंने ये कहा कि अगर सामग्री और श्रम की लागत यदि बढ़ी है तो निश्चित रूप से आपको निर्माणी व्यय की लागत भी आपकी निश्चित रूप से आपकी बढ़ेगी, इसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा। मतलब सामग्री श्रम बढ़ेगी तो इसको भी आपको बढ़ाना ही है, और यहाँ पर सामग्री श्रम दोनों की लागत बढ़ी है इसका मतलब स्पष्ट है कि निर्माणी व्यय 1,00,000 रुपए नहीं रहेंगे बल्कि उसमें वृद्धि ही होगी। अब ये आपको निकाल के बताना है कि किस प्रकार से ये आपका निर्माण व्यय 1,00,000 से बढ़कर यहाँ पर आपका हुआ 1,74,375 रुपए, ये मुझे निकाल के बताइए किस प्रकार से निकला होगा, सवाल आपके सामने है आपको निकाल के बताना है। कैसे निकालोगे इसको आप, ये आपने कास्ट शीट में भी सवाल किए इस प्रकार के स्टेटमेंट, आप कास्ट में भी इस प्रकार का सवाल किया है कि निर्माणली 1% प्राइम कास्ट जो आपका मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस इनका संबंध वेजेस से होता है, परंतु यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे उन्होंने कहा है कि प्राइम कास्ट के हिसाब से, प्राइम कास्ट यदि बढ़ी है मतलब सामग्री श्रम की लागत बढ़ी है तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे, ये आपसे कहा है। और डेफिनेटली यहाँ पर प्रति इकाई आप देख लीजिए दोनों की लागत बढ़ी है, मटेरियल की कास्ट भी प्रति इकाई बढ़ी है और वेजेस की कास्ट भी प्रति इकाई बढ़ी है, इसका मतलब स्पष्ट है कि निर्माणी लागत भी आपकी 1,00,000 से अधिक ही होगी, बताइए कितनी होगी, ये आपको निकालना है। मतलब मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस का संबंध प्राइम कास्ट से है, सामग्री और श्रम की लागत से है, ये बात स्पष्ट है इस निर्देश से जैसा आपको लिखा है, निर्माणी व्यय सामग्री वो पारिश्रमिक की संयुक्त लागत के अनुपात में बढ़ेंगे, और यहाँ पर प्राइम कास्ट में हमने सामग्री और श्रम दोनों को ही प्लस किया है, इसी के हिसाब से वो भी आपको बढ़ाना है। कैसे निकालेंगे इसको, निकालने के दो तरीके हैं, मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा, पर पहले आप एक तरीका
मुझे निकाल के बताइए कि किस प्रकार से हमने ये राशि ज्ञात की। 174375 हमने कैसे निकाला है, 174375 किस प्रकार से निकाला है? चलिए कौन बताएगा इसका आंसर? पीछे सवाल देखिए, यहाँ प्राइम कास्ट 4 लाख रुपए थी, ठीक है, और 4 लाख रुपए की मैन्युफैक्चरिंग, 4 लाख रुपए की प्राइम कास्ट पर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कितने थे? 1 लाख रुपए थे। देखिए आप, 4 लाख प्राइम कास्ट थी तो खर्चे कितने थे आपके? 1 लाख थे। हो गया क्लियर? अब आप देखिए, अब प्राइम कास्ट आपकी कितनी हो गई? अब प्राइम कास्ट आपकी हो गई 6,97,500। तो 6,97,500 पर कितने होंगे आपको चूंकि जमा कर निकालना पड़ेगा। मैं फिर से आपको बता रहा हूं, पीछे देखिए, पिछली स्लाइड पर 4 लाख रुपए की प्राइम कास्ट पर, अब लिखिए 4 लाख की प्राइम कास्ट पर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस थे 1 लाख रुपए, 4 लाख पे 1 लाख। हो गया क्लियर? 4 लाख पर कितने थे? 1 लाख रुपए थे। इसलिए अब आपकी प्राइम कास्ट कितनी आ गई है? अब आपकी प्राइम कास्ट है 697500। अब यदि 6,97,500 प्राइम कास्ट है तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कितने होंगे निकालिए। अब क्योंकि मैंने आपको जमवा दी, 4 लाख पर 1 लाख, क्योंकि 4 लाख पर 1 लाख थे, 4 लाख की प्राइम कास्ट पर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 1 लाख रुपए थे, क्योंकि मजदूरी श्रम की लागत ना बढ़ाना है आपको, इसलिए कितने की लागत पर? 6,97,500 की प्राइम कास्ट पर अब मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस होंगे। कितने होंगे निकाल के बताइए? 6,97,500 × 1 लाख / 4 लाख, यही करना है आपको। 6,97,500 × 1 लाख / 4 लाख, 1 लाख / 4 लाख, निकाल के बताइए कितने आएंगे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। 4 लाख पर 1 लाख, इसलिए 6,97,500 की प्राइम कास्ट पर कितने खर्चे होंगे? जो आपके सामने मेंशन हो रहा है यही आएगा। एक लाख बटे 4 लाख करेंगे तो 1/4 होगा, सीधी सी बात है, 6,97,500 में 4 से भाग लगाना है। 1 लाख / 4 लाख का मतलब क्या हुआ? 1/4 ही तो हुआ। 1 लाख / 4 लाख का मतलब क्या होगा? 1/4, सीधी बात है, 6,97,500 में 4 का भाग लगाना है, हो जाएगा काम आपका। आप इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करेंगे, समय परीक्षा में हमारे पास टाइम मैनेज हमें करना है। 4 लाख पे 1 लाख तो 1 लाख 1/4, तो 6,97,500 का 1/4 कर लीजिए, 6,97,500 का 1/4, जल्दी से, इतना समय नहीं लगना चाहिए। कितना हुआ ये जो सामने डिस्प्ले हो रहा, सही है 174375। कैलकुलेटर से करके देख लीजिए, कोई भी एक आंसर बता दीजिए। सामने नीमच कॉलेज, यस, यही आया आपका 174375, 174375। ठीक है सर, 174375, 174375 करेक्ट है ये? यस सर। यार अब इसमें आप देखिए प्रतिकाई, हाँ ये प्रतिकाई कैसे निकालेंगे आप? 174375 में हम भाग लगा देंगे 300 का, 300 मशीन का भाग लगा दीजिए, एक मशीन का आ जाएगा 5.25। आप 300 का भाग लगा दो, एक मशीन का आ जाएगा 174375 में 300 का भाग लगा दीजिए तो एक मशीन की मैन्युफैक्चरिंग कास्ट आपकी हो जाएगी 5.25, एक इकाई की, एक मशीन की। ठीक है, हो गया क्लियर? अब मैंने आपको बताया था एक तरीका और इसको निकालने का। एक तरीका तो क्या होगा, चूंकि जमा ली हमने 4 लाख पे 1 लाख तो 6,97,500 पर कितना। एक दूसरा तरीका आप देखिए, यहाँ पे देखिए, जब 4 लाख पे 1 लाख
तो 100 पे कितना, देखिए 25% हो गया प्राइम कास्ट का, आप देख लीजिए 4 लाख पे 1 लाख थे, इसलिए 100 पर कितना हो गया 4 लाख पर 1 लाख, इसलिए 100 पर, मतलब प्राइम कास्ट का 25% है, आप देख लीजिए प्राइम कास्ट 4 लाख है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आपकी 1 लाख है, मतलब 25% मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है प्राइम कास्ट का। अब आप चाहो तो यहाँ पर भी क्या कर सकते हो, 6,97,500 का 25% कर लीजिए, वही आपका 1,174,375 ही आपका आएगा, दोनों तरीके आपके पास हैं। या तो आप चूकी जमा के कर लीजिए कि 4 लाख पे 1 लाख थे तो आप प्राइम कास्ट पे कितने होंगे, या परसेंटेज निकाल लो कि 4 लाख पे 1 लाख थे तो 100 पर कितने, तो परसेंटेज आपका आ गया 25% हो जाएगा प्राइम कास्ट का 25%। तो आप चाहो तो प्राइम कास्ट का 25% भी कर लेंगे तो भी आपका 174,375 ही आपका होगा। इस प्रकार से ये हमारा हो गया मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। अब आप आगे देखिए अन्य व्ययों के बारे में लिखा है आपको, देखिए निर्माणी व्यय हो गया, सामग्री हो गई, श्रम हो गई, विक्रय व्यय की अब अपन बात नहीं करेंगे, अभी अपन बात कर रहे हैं अन्य व्ययों की। अन्य व्यय उत्पादन की बढ़ोतरी से अप्रभावित रहेंगे, मतलब उतने ही रहेंगे आपको पहले दिए हुए थे, उनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन आपको नहीं करना है। अब आप आगे देखिए, इसका मतलब है रेंट इंश्योरेंस 40,000 ही रहेगा, डेप्रिसिएशन वो आपका 1 लाख ही रहेगा, हमें कोई चेंज नहीं करना है। अन्य व्यय उत्पादन के घटने बढ़ने से कोई परिवर्तन उनमें नहीं होगा। तो देखिए डेप्रिसिएशन भी हमने 1 लाख रुपए लिख दिया और रेंट और इंश्योरेंस भी हमने 40,000 रुपए ही लिख दिया, केवल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस के बारे में कुछ कहा था, बाकी अन्य व्यय उत्पादन के बढ़ने या घटने से अपरिवर्तित रहेंगे, मतलब उतने ही रहेंगे जितने वो पहले दिए हुए थे। तो डिप्रेशन आपका 1 लाख ही हो गया और रेंट और इंश्योरेंस आपका 40,000 रुपए ही हो गया। अब प्रति इकाई कैसे निकालना है, वही 1 लाख में 300 का भाग लगा दीजिए, एक इकाई का आ जाएगा, और इसके अलावा जो रेंट इंश्योरेंस आपका है इसमें हमने भाग लगा दिया, इकाई का 300 मशीन का भाग लगा दिया, तो एक मशीन का आपका आ गया 133.33। इस प्रकार से आपकी वर्क कास्ट हो गई 10,11,875 और प्रति इकाई आपका हो गया 3372.91। ये हो गई आपकी इंश्योरेंस के खर्चे, वही रहेंगे जो पहले दिए हुए थे, इनमें किसी प्रकार का चेंज आपको नहीं करना है। आगे अब आते हैं हम ऑफिस जनरल एक्सपेंसेस। आपने साफ लिखा है कि अन्य व्यय सभी अपरिवर्तित रहेंगे, इसका मतलब जनरल एक्सपेंसेस पहले कितने दिए हुए थे, देखिए पहले जनरल एक्सपेंसेस आपके दिए थे 40,000 रुपए, अब भी आपको 40,000 रुपए ही रखना है, किसी प्रकार का कोई बदलाव इस नोट के तहत नहीं करना है, 5 नंबर के नोट के तहत। अन्य व्यय उत्पादन की बढ़ोतरी से अप्रभावित रहेंगे, मतलब अनचेंज, कोई चेंज नहीं उनमें। तो देखिए हमने एजीटीज आपका 40,000 रुपए लिख दिया जनरल एक्सपेंसेस, प्रति इकाई वही हमने 300 का भाग लगा दिया, तो एक इकाई का आपका आ गया 133.33। इस प्रकार से आपकी होगी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन 10,51,875 और ये हो गई 3506.24, ये आपकी होगी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो मैं समझता हूँ कास्ट ऑफ प्रोडक्शन तक अब आपको कोई समस्या नहीं होगी। अब आप देखिए सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस के बारे में क्या कहा है, देखिए सेलिंग एक्सपेंसेस के बारे में लिखा है विक्रय व्यय प्रति इकाई वही रहेंगे, मतलब जो प्रति इकाई पहले थे उतने ही अब आपको रखना है। तो देखिए प्रति इकाई व्यय पहले कितने थे, आप देखिए सवाल में प्रति इकाई व्यय आपका कितना था, यहाँ पर देखिए प्रति इकाई आपका 300 रुपए था, देखिए 200 जब मशीनें बनाई थी जब प्रति इकाई आपका सेलिंग एक्सपेंसेस 300 रुपए प्रति मशीन था, अब भी आपको 300 रुपए प्रति मशीन ही रखना है। ये देखिए आप सेलिंग एक्सपेंसेस 300 रुपए हमने प्रति इकाई में लिख दिया और 300 में 300 मशीनें बनाई है, 300 मशीन का टेंडर प्राइस दे रहे हैं, 300 × 300 90,000 रुपए आपकी होगी सेलिंग, मतलब प्रति इकाई आपको 300 रुपए ही रखना था, यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है। तो 300 हमने रख दिया, 90,000 रुपए आपको हो गया, ये आपकी होगी टोटल कास्ट। अब टोटल कास्ट निकल जाने के बाद आप देखिए प्रॉफिट निकालना है आपको, सेलिंग प्राइस का 10% आप निकाल के देख लीजिएगा, माना कि विक्रय मूल्य 100 रुपए है और 10 रुपए प्रॉफिट है तो कास्ट आपकी हो जाएगी 90, तो आप चूकी जमा के लिख लीजिएगा 90 रुपए अगर कास्ट है तो लाभ आपका 10 रुपए है, जब कास्ट हमारी 11,41,875 है तो हमारा लाभ कितना होगा, मतलब आपको सेलिंग प्राइस पर 10% लाभ लेना है और सेलिंग प्राइस आपको पता नहीं है, तो सेलिंग प्राइस माना कि सेलिंग प्राइस 100 रुपए आपको मानना पड़ेगा,
₹10 उसमें से हमने प्रॉफिट माइनस कर दिया तो 90 आपकी आ जाएगी कॉस्ट। चूंकि कास्ट आपको पता है तो आप चूंकि जमा के कर लीजिएगा, ₹90 कास्ट है तो लाभ है ₹10। जब कास्ट हमारी 11,41,875 है तो हमारा प्रॉफिट कितना होगा ये आप निकाल के प्लस कर दीजिएगा, ये आपकी सेलिंग प्राइस जाएगी। इस प्रकार से आपको ये टेंडर प्राइस निकालना है। चूंकि समय आपका हो चुका है, अगली बार अगर कभी क्लास अगर आपकी होगी तो मैं आपसे क्विज कॉम्पिटिशन करूंगा कास्ट अकाउंटिंग पे। हम पूरी इकाई, पहली इकाई से लेकर पांचवी इकाई तक जितनी भी हमारी इकाइयां हैं, इन सबके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की तैयारी करेंगे अगली बार जब भी व्याख्यान होगा तब। तो आप उसके लिए आप तैयार रहेगा। और जो स्टूडेंट कॉपी पेन तो लेकर आते हैं पर उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, मेरा उनसे अनुरोध है कृपया कॉपी पेन का इस्तेमाल भी किया करें, कुछ चीजें नोट भी किया करें। थैंक यू वेरी मच।